हरियाणा की यमुनानगर में एक नाबालिग दिव्यांग लड़की के साथ अस्पताल के कर्मचारी ने रेप किया। सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में लड़की के साथ बलात्कार हुआ। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरों में आरोपी कर्मचारी लड़की को महिलाओं के कमरे से इमरजेंसी रूम में ले जाता दिख रहा है। लड़की के चिल्लाने के बाद पूरा मामला सामने आया है। लखनऊ के अलीगंज में चोरी की हैरान करने वाली घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। 21 जून को एक चोर मास्की से कार का दरवाजा खोलकर कुछ ही सेकंड में गाड़ी के अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन एक कुत्ते के भौंकने के बाद चोर गाड़ी छोड़कर भाग जाता है। कुत्ते के जाते ही चोर दोबारा लौटता है और गाड़ी स्टार्ट करके फरार हो जाता है। निश्चित रूप से अगर प्राइवेट पार्टीज भी अगर इसका अधिक इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ ना उनकी अपनी सुरक्षा में होगा, बल्कि यदि कोई घटना होती है तो उसका लाभ पुलिस ऑफिसर्स को भी मिलेगा, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरास में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक तरफा प्यार में एक लड़के ने एक लड़की की जान ले ली। आरोप है कि इस्माइल पिछले कई दिनों से नाजरीन को परेशान कर रहा था। बताया जा रहा है कि नाजरीन के शादी से इनकार करने के बाद इस्लाम ने तमंचा निकालकर नाजरीन के सिर में गोली मार दी। हत्या के बाद भाग रहे इस्माइल की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। एक अकरमपुर गांव है, वहां पर एक महिला निकल रही थी घर से बाहर, निकलने के बाद एक व्यक्ति ने उसको कट्टे से गोली मार दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बदमाशों ने यूपी पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे को गोली मार दी। घायल की मदद के लिए जब एक होमगार्ड का जवान आया तो बदमाशों ने उसे भी गोली मार कर घायल कर दिया। इंस्पेक्टर के बेटे अंकुर बैंसला की मौत हो गई है। अंकुर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था। घर वालों ने किसी से भी दुश्मनी होने से इनकार किया है। बुंदेलखंड के ललितपुर में शादी के नाम पर लड़की को खरीदने का मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने रमेश पाल नाम के शख्स पर शादी के नाम पर 30,000 रुपए में खरीदने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि रमेश पाल के 3 रिश्तेदारों ने उसके साथ बलात्कार किया है। रमेश पाल के मुताबिक शादी के लिए उन्होंने महिला को खरीदा है, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही अब वो उसे छोड़ना चाह रही है। प्रभा मित्रा नाम की एक औरत लेकर आई थी ललितपुर, यहाँ पे हमको खरीद लिया गया, हमको रमेश पाल ने खरीदा। नोटरी द्वारा हमारा लिखा पढ़ी से शादी हुई और इसके बाद घर ले जाने के बाद रमेश पाल गलत करता है उनके। मूल रूप से जबलपुर के रहने वाली है और इनका कहना है कि 30,000 रुपये में यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति ने शादी करने के लिए इनको खरीदा था और फिर उसके बाद इनको वापस नहीं जाने दिया जा रहा है। राजस्थान में सादुल शहर के पास अवैध संबंधों के शक में पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में किसी बात पर विवाद हो गया था और पति ने लोहे की रॉड से पत्नी के सर पर कई बार किए। महिला की मौके पर ही मौत हो गई और इसके बाद पति फरार हो गया। गांव में राम कुमार ने अपनी पत्नी कैलाश देवी थी उसको तो घरेलू बात को लेकर करके मारपीट किया और सिर में लोहे की रॉड मारने से उसकी मौत हो गई। कारण अभी तक तो साफ नहीं हुई तस्वीर।